गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। हमने कॉमर्स की क्लासेस शुरू की हुई थी। हमारा चैप्टर था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ये हमारी जर्नल के ऊपर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग ऑफ जर्नल, फीचर ऑफ जर्नल, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, लिमिटेशन ऑफ जर्नल। सेकेंड वीडियो के अंदर देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, जर्नल का। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है, गुड्स के अंदर क्या होता है भाई, गुड्स आर दोस थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स किसे कहते हैं, वो चीज जिसे हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लोथ मर्चेंट परचेज क्लोथ, क्लोथ मर्चेंट ने यानी कि क्लोथ के व्यापारी ने क्या परचेज किया, क्लोथ परचेज किया, द क्लोथ विल बी टर्म एज परचेजेस। तो क्लोथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, परचेज वर्ड करेंगे, और इस क्लोथ को ही हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। बट इफ द सेम क्लोथ मर्चेंट परचेज सम फर्नीचर, अब इस क्लोथ मर्चेंट ने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, से चेयर ए सोफा सेट, यानी कि फर्नीचर का मतलब क्या है, चेयर कह लो, टेबल कह लो, सोफा सेट कह लो, फॉर द सीटिंग ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर की सीटिंग के लिए उसने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, लाइक चेयर, सोफा सेट, टेबल एक्सेट्रा। द फर्नीचर सो परचेज विल नॉट बी टर्म एज परचेजेस। अब हमने खरीदा तो फर्नीचर था, फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड यूज कर सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंट हम फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्नीचर उसकी क्या है, एसेट है, क्या है, एसेट्स। गुड्स परचेज वर्ड हम सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हैं, किसके लिए, गुड्स के लिए, जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं। अगर वो क्लोथ परचेज करता तो हम उसे क्या कह देते, परचेज। बट अगर उसने सोफा सेट, चेयर, टेबल वगैरह परचेज किए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उसके एसेट्स कहेंगे। अब हम अगर परचेज कर रहे हैं क्लोथ तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, परचेज। बट अगर हम सोफा सेट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो हम उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, क्या कहेंगे, फर्नीचर अकाउंट। और अगर मैंने गुड्स परचेज किया होता तो मैं एंट्री कर देता परचेज अकाउंट। इसके अंदर गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू फाइव अकाउंट्स। गुड्स हम परचेज जब करते हैं, या गुड्स के अंदर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, फाइव टाइप के। एक होता है परचेज, सेकेंड होता है सेल, थर्ड होता है सेल रिटर्न, फोर्थ होता है परचेज रिटर्न, फिर होता है स्टॉक। जो परचेजेस होती है ये हमारे कौन से अकाउंट के अंदर आती है, मैंने हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे, जो हमारे अकाउंट क्लासिफाइड थे वो थ्री टाइप के थे, एक तो पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू एसेट्स, इसका रूल क्या था, डेबिट वर्ड्स कमिंग, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। थर्ड था नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या था, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम, इसका रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जो परचेज है ये किस अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि जब हम परचेज करके लाते हैं तो हम क्या करते हैं, पे करते हैं, इसीलिए पे हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है, क्या आती है, इनकम आती है। इनकम किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जब सेल रिटर्न होती है तो हमारा लॉस होता है, परचेज रिटर्न होती है तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है, जैसे कि स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक भी टू टाइप का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, जब मेरा साल शुरू हुआ है उस टाइम मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि भी एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक मेरा बिना बिका रह गया तो उसे क्या कहते थे हम, क्लोजिंग स्टॉक कहते थे। अब देखें कुछ एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री दे रखी है गुड्स सोल्ड फोर रुपीज 50,000, मैंने गुड्स बेचा है 50,000। गुड्स बेचा है, एक तो ये क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा क्या है, 50,000 में ये क्या है, रियल अकाउंट है, तो ये कैश किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब गुड्स सेल किया है, गुड्स चला गया मुझसे, ठीक है, गुड्स के लिए अगर मैं खरीदता हूं तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, परचेज वर्ड यूज करता हूं,
और अगर मैं सेल करता हूं तो गुड्स के लिए क्या यूज करता हूं, सेल वर्ड यूज करता हूं। यहां पे मैंने सोल्ड किया है, बेचा है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, सेल वर्ड। अब सेल हुई है तो मुझे क्या हुई है, गेन हुई है, इनकम हुई है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसीलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, टू से 50,000। और मेरे पास क्या है, कैश आया है, क्या है, कैश आया है थ्रू कैश अकाउंट डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एक बार और देखने की यहाँ पे ना सेलर का जो जिसे हम परचेजर का जिसने हमसे परचेज किया है, ना तो उसका नाम दे रखा है और ना ही ये बताया हुआ है कि भी कौन था परचेजर या किसी भी तरीके का नाम नहीं दे रखा है। तो हम ऐसे एंट्री को किसके अंदर ट्रीट करेंगे, जब मेरे पास नाम वगैरह ना दिया हो तो हम उसे ट्रीट करते हैं कि भी मेरी एंट्री क्या होगी, कैश के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, कैश के अंदर, इसीलिए मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 50,000। सेकेंड एंट्री है मेरी गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश। यहां पे ही मैंने गुड्स सेल किया है, सेल मेरी क्या होगी, इनकम होगी कैश के अंदर। देखो यहां पे गोपाल पर्सनल अकाउंट भी दे रखा है, रियल अकाउंट भी दे रखा है और नॉमिनल अकाउंट भी दिया हुआ है। बट जब नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, कैश अकाउंट। कौन सा होता है, कैश अकाउंट। ये क्या है, अकाउंट की क्या है, सिस्टमेटिक वे से अगर अकाउंट की जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा है, ये अजम्पशन जो अकाउंट में ली गई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम और कैश दोनों दे रखा है तो हम किसके बेस पे करेंगे इस एंट्री को, कैश बेस पे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू से 50,000। जब मेरे पास नाम भी दिया हो कैश भी दिया हो तो हम एंट्री किसमें मानते हैं, कैश में मानते हैं। थर्ड है गुड्स सोल्ड टू गोपाल। गुड्स क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिया गोपाल को। देखो यहां पे नाम दिया हुआ है और ये निपटा रखा है कैश में है या नहीं, तो हम ये क्या मानेंगे, इसे उधार में। तो यहां पे क्या है, कैश की बजाय कौन सा अकाउंट आएगा, गोपाल। और गोपाल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे। अगर मैंने गुड्स सेल किया है, परचेज किया है, बट मेरे पास नाम नहीं दे रखा कि भी कौन किससे किया है क्या नहीं, तो हमारी एंट्री किसके अंदर होती है, कैश के अंदर। देखो फर्स्ट एंट्री होगी, जब मैंने गुड्स सेल किया तो गुड्स चला गया और कैश मेरे पास आ गया। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेकेंड है गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश। जब मेरे पास नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है तो हम कौन किसके अंदर मानते हैं अपनी एंट्री को, कैश के अंदर, कैश टू सेल। सोल्ड गुड्स टू गोपाल 50,000, मैंने अपनी गुड्स को बेचा गोपाल को 50,000 में, बट यहां पे ये निर्धारित रखा है कैश में है, कैश में गोपाल फॉर कैश, कैश ही दे रखा और ना ही मेरे पास, और स्पेसिफिक मेरे पास नाम दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मेरी एंट्री हुई है, यानी कि जो मैंने सेल किया है, वो किसके अंदर है, क्रेडिट के अंदर है, इसीलिए मैंने क्रेडिट का नाम लिख दिया गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल। अब एक फोर्थ एंट्री है इन केस ऑफ द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के केस के अंदर क्या कह रहा है, ये सैलरी पेड टू मुकेश 10,000। मैंने देखो यहां पे सैलरी वर्ड भी है, पर्सनल अकाउंट भी है, सैलरी क्या होती है मेरी, एक्सपेंसेस। मुकेश क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन जहां पे पेड और रिसीव्ड वर्ड आ जाए ना, वहां पे हमारा क्या होता है, ये किसके अंदर ट्रीट करते हैं हम इस एंट्री को, कैश के अंदर। सैलरी किया है मैंने, खर्चा है मेरा, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या है, कैश, कैश के अंदर कैश मेरा चला गया, कैश अकाउंट कितने से 10,000 से। यानी कि अगर पेड वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कैश में। यहां पे नेम मैटर नहीं करता, ठीक ऊपर वाली एंट्री की तरह है, ये भी क्या होती है, कैश के अंदर होती है। आज का जो हमारा टॉपिक था, मीनिंग ऑफ गुड्स, कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।